फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या था? मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा मैंने पॉली बताया था। ठीक है, पॉलीट्रोपी में क्या होता है बेटा? मोर देन वन जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। अच्छा ये बताओ तो पॉलीट्रोपिज्म का एग्जाम्पल भी याद होगा क्या? ह्यूमन स्किन। ठीक है, और प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल? थैलीसेमिया, हेयर लॉस। ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया हो जाता है इसको। ये सब बेटा एग्जाम्पल है, याद करिए। इसके बाद है टिशू कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसको बेटा मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? ग्रोथ ऑफ हार्मोन वाले चैप्टर में। उसमें मैंने बताया था यदि प्राइमरी परमानेंट ऐसा कुछ करे कि उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाए। अच्छे तो जो बेटा लीफ है वो तो परमानेंट से ले चुकी है, और लीफ के एक पार्ट से निकाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कैलस। और जब प्राइमरी परमानेंट बेटा स्टार्ट करे फिर से डिवीज़न, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? नहीं, डिफरेंशिएशन तो पहले, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो वो होता है कि जब प्राइमरी टिश्यू अलग अलग टिश्यू में डिफरेंशिएट होती है, तो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन बताया गया है क्या? मैंने कहा था जहाँ भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाए, पता लगा कि बेटा ये 2 मोलर है और ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर सोल्यूशन है। अब मूवमेंट बेटा ओबियस सी बात है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए? इधर से इधर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब इधर मूवमेंट जब भी अगेंस्ट हो जाएगा एक्टिव। ठीक, सिंपल एक क्वेश्चन था ये। तो एनसीईआरटी का जो है सेकंड लास्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन है कि द इविल कोरेक्ट, और इस पे क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है यदि आपने अनसॉल्व किया होगा, पीवाईक्यू किया होगा। क्या होता है बेटा? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन एकदम लाइन है एनसीईआरटी की बेटा, यदि इतने बार बताया गया, जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करते हैं तो किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए विजिबल होता है। अगला क्वेश्चन याद करिए, इसको मैंने कराया था आपको जब टेरिडोफाइटा में भी कराया है, ब्रायोफाइटा में भी कराया है। ब्रायोफाइटा में स्पेशली बताया था जब प्रोटोनिमा स्टेज था कि प्रोटोनिमा हमेशा हेप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाता है, और आपका कैप्सूल जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो कैप्सूल में बेटा क्या होती है? मियोसिस, स्पोर मदर सेल में, और वो बनाती है हेप्लॉयड स्पोर, और उससे क्या बनता है फिर? हेप्लॉयड गैमेटोफिटिक बॉडी। तो बेटा एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन है। अगला, अब आपको याद होगा मैंने कहा था बेटा भारत में एक कंपनी आई थी, उसका नाम क्या था? HMT। ठीक है, और HMT के जगह हम क्या कर देंगे? RMT, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड, RMT। ये कौन सा राइबोसोमल बनाएगी? आर। ये एम राइबोसोमल, ये टी राइबोसोम के साथ साथ ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, इसलिए 5SRNA हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, यही बनाती है। और कौन बना, क्या बनाता है? SNRNA। इस बार बेटा यही सीधे पूछा है, पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? ट्रांसफर RNA, 5SRNA और SNRNA। ये बिल्कुल आपके नोट्स में स्पेशली मैंने लिखवाया था कि इसको मैंने भूलना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अर्थ सम्मित और वर्ड सम्मित। पहले अर्थ आया होगा कि वर्ड? ओबियस सी बात है पहले अर्थ आया होगा, इसके बाद क्या आया होगा? वर्ड आया होगा। अर्थ सम्मित 1992, वर्ड सम्मित 2000। अगला क्वेश्चन ATP यूज टू स्टेप ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप यूजिंग कन्वर्जिंग ग्लूकोज
टू सिक्स फॉस्फेट, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज डाई फॉस्फेट। लेकिन बेटा ये दो स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में क्यों यूज हो रहा है ये नहीं बता पा रहा है। ये इसलिए यूज होता है कि वहां पे होती है डीफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा सही तो दोनों हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर कौन सा दे रहे हैं, फोर्थ दे रहे हैं, कौन आकाश वाले? नहीं, चलो आकाश वाले दे रहे हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है बेटा, देखना इसका आंसर फर्स्ट ही जाएगा। अच्छा आंसर सोल्यूशन के साथ है क्या इसमें? नहीं, नहीं। अच्छा केवल आंसर है, सोल्यूशन नहीं है ना? अच्छा आंसर है केवल, कोई बात नहीं है। क्या लगाया है आपने फोर की फर्स्ट? लगाया ही नहीं, याद ही नहीं है। अच्छा लगा भी इस दोनों में ही होगा क्योंकि ये दोनों तो याद ही था। 110 क्वेश्चन, महाफालतू क्वेश्चन, मैंने फिगर से बताया तक देखो ओजोन है बेटा, ये लास्ट एकदम लास्ट लास्ट में बताया था कि ये देखो डॉप्सन यूनिट है। अगला क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंडार्च एंड एक्सार्च आर टर्म ऑफ एंड डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ, गलत, सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं होता है ये, एक्सार्च और इंडार्च कंडीशन हमेशा बेटा प्राइमरी फ्लोएम जाइलम को लेकर के होता है। तो क्या हो गया एसर्शन गलत, एक्सार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, ये सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, क्लियर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइस दो ही हैं, सीड हैबिट, यहाँ सीड नहीं बना था क्योंकि सीड बनता तभी है जब दो टाइप के स्पोर मिले, ठीक है। यहाँ से सीड हैबिट स्टार्ट हो गई थी क्योंकि स्लेजनेला और सल्विनिया, इसमें क्या स्टार्ट हुआ था बेटा, डिफरेंट टाइप के स्पोर बनना, हेट्रोस्पोरी यहीं से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट लास्ट में एकदम क्लियरली आपको बताया गया था, डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन पहला और मैंने कहा था अर्थवार में डेट्रीवोरस होता है लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई ये डेट्रीवोरस नहीं होते, ये कैटाबोलिज्म करते हैं, ठीक। दूसरा क्या है बेटा, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाई सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इन सॉयल गेट प्रेसिपिटेटेड बाई प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, सही है। डेट्रीवोरस फूड चेन बिगेन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत, हमेशा डेड एनिमल और डेड प्लांट से शुरू होते हैं। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रस इन स्मार्ट पार्टिकल इस प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, नहीं, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, फ्रेगमेंटेशन। तो कौन कौन सा सही है बेटा, ए बी सी। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए मैंने कहा था माली साला एक्सिस पर रोए, माली का मतलब मॉलवेसी, सोलेनेसी, एक्साइल प्रेजेंटेशन विथ रूटेसी। अब बताओ मालवेसी में चाइना रोज खूब याद है एग्जाम्पल, सोलेनेटी पिस्यूनिया, पिट्यूनिया सोलेनेसी, और रूटेसी फैमिली का सिट्रस एक्साइल, ठीक है। सोमालिया याद है, सोमालिया ही बताया था, सोलेनेसी मालवेसी, हमने कहा चाहे जैसे याद कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी, फैबेसी फैमिली का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बेटा, क्या एंड्रूसियम 1+9, इसको क्या कहते हैं हम, डाई एडल्फस। देखो बेटा आपकी बुक में नहीं था लेकिन मैंने पढ़ाया था मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। तीसरा मैंने बताया था सिंजनेसियस, सिनेंड्रस और एडल्फस,
ठीक है, इसीलिए बताया था कि भाई जो ये क्वेश्चन घुमाएगा तो सीधे सीधे फैबेसी में क्या होता है बेटा, डाइएडल्फस, बाकी में इपीफिलस, इपीपेटलस, इपीटेपलस, ये सारे एग्जांपल आपको मैंने बता दिए थे। इपीफिलस किस में था बेटा, लिलिएसी में था। ये इपीपेटलस होता क्या है बेटा, जब टेपल्स, जब क्लियर ही ना हो कि वो सेपल्स है कि पेटल्स, उससे एसोसिएट है, इसको कहते थे पेरियंट, ठीक है, पेरियंट से एसोसिएशन। पूरा याद है ये एकदम, और बहुत डिटेल में इसको बताया था। तो ये क्वेश्चन गलत आपका मार्फोलॉजी से नहीं होना चाहिए था। रिएक्शन सेंटर पीएस सिस्टम 680, पीएस फर्स्ट 700 नैनोमीटर, सिंपल एकदम क्वेश्चन है ये। अच्छा, एमांग यूकेरियाटी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, बताएं, मैंने कहा था रेप्लिकेशन सेंट्रियोल एस फेज, ठीक, प्रोसेस अपीयर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटीन, पैकेटीन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, होमोलॉगस नॉन सिस्टर, और देखो इस बार सिस्टर दिया था, मैंने कहा था याद रखिएगा बेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में सही गलत पूछ सकता है, और इस बार उसने दे दिया था सिस्टर क्रोमेटिड, गलत था, ठीक है, वो सही किया था। अगला क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी एटीपी एनएडीपीएच2 रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ड्यूरिंग, पूरी साइकिल मैंने याद करा दी थी, और कहाँ कहाँ ये यूज होता है ये भी बता दिया था। शुरू में दो पाथवे पे यूज होता है और एक यूज होता है रीजनरेशन के लिए, तो तीन एटीपी यूज होता है एक CO2 के लिए, और कितने NADPH2, एक CO2 के लिए, यानी कितने कार्बन को फिक्स किया, वन कार्बन। ग्लूकोज को फिक्स करोगे तो कितने कार्बन, सिक्स, इसका पूरा कैलकुलेशन करके मैंने बताया था कितना हो जाएगा। और यहीं पे बेटा यदि C4 साइकिल होती तो 30-12, याद आ गया, दो वो फिर मेसोफिलिक सेल में जाकर के रीजनरेशन के लिए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलो अगला, GPP-R = NPP, इस पर तो इतना ज़्यादा, अच्छा इस पर मैंने इतना वास्ट क्वेश्चन बताया था, RPP कब होगा, कई मैंने बताया था कभी आर रिस्पायरेटरी लॉस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, उतना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि NPP जीरो हो जाए, जितना बनाए खुद खा जाए वो, ठीक है, कब, जब विंटर में, याद है। तो इस पर इतना डिटेल मैंने क्वेश्चन कराया था, GPP-R = NPP, इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था किस पे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल कर दिया था। अगला, लार्ज कलरफुल, अरे ये तो बताना भी नहीं है, लार्ज हो, कलरफुल हो, नेक्टर प्रेजेंट हो, तो वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को। स्प्रेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन जुवेनाइल कोनिफर हेल्प इन द हेस्टिंग द मैच्योरिटी पीरियड, दिस लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, बेटा हमें जल्दी सीड चाहिए तो हम किसका छिड़काव करेंगे, जिबरलिन का, गब्बर सिंह का, हमें इंटरनोड को बढ़ाना है किसका, गब्बर सिंह, जिबरलिन का, लेकिन वाटर के इनसाइड यदि पेटियोल को बढ़ाना हो और नोड को बढ़ाना हो तो इथाइलिन, मैंने कहा लिखा है, लिखवाया है डीप वाटर, उसका कैरेक्टर ही वही है। अगला, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए दो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन बेटा, क्लोरीन एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम तो नहीं ना, मैग्नीज, देखो मैंने कहा था याद करना, ठीक है, कलमन, कलमन मैंने कहा था ऑप्शन में हमेशा आपको मैग्नीज मिलेगा, Mg मिलेगा ही मिलेगा, मैग्नीशियम कंफ्यूज कराने के लिए हमेशा। और वहाँ पे आप अपने नोट्स में देखना, वहाँ पे आपने लिखा है Mg और ऐसे काटा है, क्यों कटवाया था मैंने, इसलिए कि यदि आपको ये ऑप्शन मिला तो उस ऑप्शन में ये ज़रूर याद होगा, यदि M से आपने याद रखा है तो वहीं कन्फ्यूज़न होगा। अगला,
कटवाने का मतलब ये होता है बेटा, जब भी आप नोट्स में पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि वो दिखना ही नहीं चाहिए मुझे। अगला, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू ऑल जीन दैट एक्सप्रेस, प्रोटीन के लिए होता ही नहीं बेटा, ये किस लिए होता था? एक्सप्रेस कौन करेगा? जीन एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा? आर्यन ने, सिंपल, सबसे सिंपल मेथड बताया था, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए। अगला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर सम क्रोमोसोम मेजर इन द डिस्टेंस बिटवीन मैप देयर पोजीशन इज यूज। और मैंने बताया था जहां मैपिंग में आ जाए, इसकी यूनिट तक बताई थी, यूनिट क्या होती है इसकी? सेंटी मॉर्गन। किसने दिया था? मैंने कहा सेंटी मॉर्गन दिया है, मॉर्गन जरूर आएगा, ठीक है, जीन मैप में मॉर्गन को डालेगा, डालेगा, अच्छा इस बार अच्छा डाला है मॉर्गन को, तो हमें सेंटी मॉर्गन, इसका यूनिट जीन मैप का याद रहता है, जीन मैप की यूनिट सेंटी मॉर्गन। तुरंत, अच्छा जीन मैप, मैंने कहा जीन मैपिंग की कितनी थी? स्टार्टवेंट ने, उनके स्टूडेंट ने, और अपने गुरुजी के नाम पे इसका यूनिट का नाम रखा था सेंटी मॉर्गन। तो मैंने कहा था अच्छा निशा भी एक डिस्कवरी करेगी तो उसका यूनिट जो है मेरे नाम पे रख देगी, याद था ऐसे बेटा, बिल्कुल याद रहता है कि गुरुजी के नाम पे इसने यूनिट रखा था, तुम स्टारमेंट तुरंत मार के चले आओगे। अगला क्वेश्चन बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन था, चलो, द फोर्स जनरेटेड जाइलम ट्रांसपरेशन कैन जाइलम साइज इन वाटर अप टू 130 मीटर हाइट। बिल्कुल यूकेलिप्टस में भी जाता है ये, ठीक है, ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी होती है ये, ट्रांसपरेशन कूल लिप, हाँ मैंने कहा था ट्रांसपरेशन इज अ नेसेसरी इविल, याद करो ट्रांसपरेशन में पहली लाइन ये कि यदि ट्रांसपरेशन ना हो तो लीफ बर्न कर जाएगी, लीफ सरफेस को कूल करने के लिए क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला, बताना ही नहीं है, मैंने कहा था, और ये भी याद करो कि मैंने कहा था जीन गन, गन हमेशा प्लांट के लिए यूज़ करोगे आदमी मर जाएगा, और इंजेक्शन जो है माइक्रो इंजेक्शन ये एनिमल के लिए, और गन में क्या था? मैंने कहा गन चलाओगे महंगा पड़ेगा, टंगस्टन एंड गोल्ड। अगला, लेट वुड जेलरी एलिमेंट नैरो वेसल, सही है, लेट वुड में नैरो वेसल, बेटा बाहर अभी बंद कर दो दरवाजा चिपका दो, क्या था लेट वुड का मतलब क्या था बेटा? विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होता है? नैरो जाइलम होते हैं, ठीक है, और नैरोअर फ्लोएम भी होते हैं, तो बहुत पतली लेयर बनती है बेटा, और जबकि स्प्रिंग में ये क्या हो जाते हैं? वाइडर हो जाते हैं। कैम्बियम लेस एक्टिव इन विंटर, अब कैम्बियम कम एक्टिव है तभी तो ये कम बना रही है, तो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन, टसल कॉर्न किस लिए निकलती है? ये टसल का मतलब मैंने बताया था, याद करिए, ये भुट्टा है, स्पेथ है, सबसे बड़ी स्टाइल और स्टिग्मा होती है ऐसे निकली हुई, ये क्यों बाहर निकलती है? क्योंकि एयर के द्वारा क्या होता है इसमें? पॉलिनेशन, तो ये क्या ट्रैप कर सके? पॉलेन ग्रेन को, ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अगला, ये तो नहीं बताना पड़ेगा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड मैंने प्लांट में बताया था, हैप्लॉयड मैंने बताया था जितने भी एम्ब्रियो सैक के अंदर हैं सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉयड, केवल ये बॉडी कैसी होती है? ये डिप्लॉयड नहीं होती है, एन प्लस एन डाइकैरियन होती है, ठीक, तो हैप्लॉयड में सिनर्जिक एंटीपोडल और एग, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ठीक ठीक, डिप्लॉयड हमेशा कौन होगा? जायगोट। ट्रिप्लॉयड हमेशा कौन होगा? इंडोस्पर्म। अब यहाँ चाहे कहे प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म दो टाइप में डिवाइड होती हैं, एक सेलुलर बनाती हैं, एक फ्री न्यूक्लियर, और दोनों का एक ही एग्जांपल कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों पाए जाते हैं? कोकोनट, ठीक। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम अप्लीकेशन का क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड, इतना जिसने पढ़ा होगा और आगे नहीं पढ़ा होगा वो तुरंत मारा होगा GA3।
इलांगेशन डीप वाटर राइज। अपने नोट्स में देखना बेटा, मैंने पेटियोल एंड डीप वाटर राइस में लिखवाया है इथाइलीन। एकदम नोट्स का क्वेश्चन डिक्टो है। विच फॉलोइंग इन मियोसिस इन्वॉल्व ड्यूरिंग, अच्छा डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। फर्स्ट में तो डिवीजन सेंट्रोमियर में होता ही नहीं, वो तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करता है और सेंट्रोमियर ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इससे लगा हुआ ये है, ये अलग हो गया, ठीक यहाँ से टूट गया। लेकिन सेकेंड एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ो। अच्छा मैंने कहा था, अब उन्होंने 11 साल एक्सपेरिमेंट किया था बेचारे, किसने, मैक एवेरी, मैकलियाड और मैकार्टी ने, लेकिन इसको भी लोगों ने नहीं माना। फिर अनवोक मतलब कोई बिना मुंह आवाज उठाए जो माना था, वो हर्षा और चेस के एक्सपेरिमेंट को माना था। तो क्या हो जाएगा बेटा, जहाँ हो जाएगा यूनिवोकल। अच्छा तुमने हिंदी में डाला था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में नहीं आए थे, फायदा मिला था, हमेशा होता है बेटा, ठीक। अगला ये बिल्कुल नोट्स में बताया गया है, सेलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाता, आयोडीन ट्रैप नहीं कर पाता, इसलिए बेटा ये कलर नहीं देता है। एनसीईआरटी का लेफ्ट पेज का फिगर जहाँ बना था सेलोज का, उसकी सबसे लास्ट लाइन, और नोट्स में मैंने कहा था मेंशन करके लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कौन सा होगा बेटा, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, इसी कलर एक ब्लू कलर नहीं देता है सेलोज। अगला इसमें बेटा किसी एक को पकड़ो और करा लो, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, चाहे बोले ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे, बी का बेटा फोर, बी का फोर दो में है, ए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, कहीं से भी आप कर लो, ठीक हो जाएगा मैचिंग ये। अरे इससे भी हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, कौन सा इंजाइम था, सिट्रेट सिंथेटेज, दो ही इंजाइम ही बताया था मैंने इसमें क्रैब साइकिल में, याद है, मेलेनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट कम्पिटेटिव इनहिबिटर, वो नहीं, मेलेनेट और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट एक दूसरे से क्या है, कैसे हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर आया था क्वेश्चन इसी बार, पेपर देख के आई तो तुमने दोबारा देखा नहीं होगा, मन नहीं किया होगा तो क्वेश्चन कहीं याद ही नहीं होंगे। चलो विच फॉलोइंग कम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू कीमो ऑस्मोसिस, कीमो ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए बेटा, पहली बात तो ग्लूमेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक, दूसरी बात प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ये ATP सिंथेटेज के लिए था, और तीसरी बात F1 F0 और ATP सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, याद है, कौन सा हो जाएगा आपका चौथा, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन प्रम, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज एंजाइम। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिशन एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, कैसे होते हैं बेटा ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर, एक ही एग्जांपल ही लिखवाया था ये। आगे ये बताओ, जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैरिड बाय द एयर करेंट, सही है, एयर करेंट कैरी द पोलन ग्रेन इन माउथ ऑफ आर्चिगोनिया विच मेल गैमिट डिस्चार्ज पोलन ट्यूब, ना पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, इसने क्या कहा, पोलन ट्यूब डज नॉट फॉर्म, ये गलत है, तो क्या सही हो गया बेटा, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला अच्छा आपको ये सीक्वेंस याद है, सबसे पहले क्या था बेटा, आइसोलेशन ऑफ द DNA, दूसरा कटिंग था इंडो न्यूक्लियस के, ठीक, तीसरा क्या था बेटा, PCR से हम एम्पलीफाई किए थे, और चौथा क्या था कि हमने इसको जिस होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना था उसमें, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA, फोर का मतलब आइसोलेशन, NCERT लाए हो, NCERT बुक है, कॉपी लाई हो, कॉपी में देखो,
बेटा छोड़ो, जाने दो, मेरे पास एनसीईआरटी पता नहीं, मैं लाया हूँ, रुको रुक रहो, रुको जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं सकता, कैसे ही मूर्ख वाली बात बतिया रहे हैं। अरे बेटा मैंने पूरा टेक्नोलॉजी बताया है उसी पे, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो बेटा कोई कोई आंसर दे, उससे मुझे मतलब नहीं है। चलिए देखिए, फर्स्ट प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डिटेल में कराया हूँ, याद है मैंने कहा था चिल्ड इथेनॉल डाले प्रेसिपिटेट होकर डीएनए ऊपर आ जाता है, मैंने कहा था एक तो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, चढ़ने वाली चीज, ठीक है, अच्छे अच्छे उसको लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, यार सोलह मूवी में धर्मेंद्र भी ऊपर चढ़ गया था टंकी पे, याद है कि नहीं, एथिल एल्कोहल लेने के बाद, ठीक है, तो इसीलिए डीएनए प्रेसिपिटेट करता है, वो भी चिल्ड, ठंडा ले लिया आइस से, ठीक है, अच्छे अच्छे चढ़ जाते हैं, फिर डीएनए की कौन सी बात है। दूसरी प्रोसेस मैंने कहा था बेटा एकदम फ्रेगमेंटेशन बाय रिडक्शन इंडो न्यूक्लियस, देखो दूसरी प्रोसेस क्या है, कटिंग है स्पेसिफिक लोकेशन, तीसरी क्या है एम्प्लीफिकेशन है, चौथी क्या है इंसर्शन है, फिर है बेटा फॉरेन प्रोडक्शन। तो बेटा ये आंसर कुछ भी दें, मुझे याद है कि बेटा मैंने एनसीईआरटी में करवाया कहाँ पे है, बिल्कुल, तो इसका पहला क्या जाएगा बेटा आइसोलेशन, दूसरा क्या होगा कटिंग, तीसरा क्या होगा एम्प्लीफिकेशन, और लास्ट क्या होगा बेटा इंसर्शन, ठीक। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला के बताया था, कोहेशन सेम मॉलिक्यूल, तो वाटर क्या होगा बेटा म्यूचुअल अट्रैक्शन, अच्छा इसमें दो तो हम एडहेशन भी जानते हैं कोहेशन भी जानते हैं, गटेशन क्या था बेटा वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, जबकि ट्रांसपायरेशन में क्या था वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ द वेपर, तो अब गटेशन को पकड़ो, देखो पूरा आंसर निकल गया, मैंने नहीं बताया था हाइडन थोड के थ्रू, सुबह सुबह आप टहलने जाते हो, पानी की बूंदें मिलती है आपको पत्ती पर, वाटर लॉस होता है ये किस फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में गटेशन। आ गया आंसर, कौन सा लग गया फोर्थ, विच इज नॉट स्टेटमेंट करेक्ट, एल्गल ब्लूम काज एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वाटर इंप्रूव वाटर, अच्छा एल्गल ब्लूम वाटर के इंप्रूव करती है कि खराब करती है क्वालिटी को, बस। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन इन राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्या लगाया था बेटा ये एनसीईआरटी में, जब उसने लिखा था 80 डिफरेंट प्रोटीन, याद है इसको मैंने अंडरलाइन करके बताया था कि बेटा यहाँ पे 80 डिफरेंट प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा था 80 डिफरेंट आरएनएज, क्योंकि ओवरऑल वही प्रोटीन बनाती है, और मैंने आपको गोला लगवाया था, एनसीईआरटी अपना आपने लाया नहीं, पता नहीं क्यों क्यों नहीं लाई, अच्छा तो नोट्स लेके कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में याद करिए, सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस प्रोटीन इन राइबोसोम, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन, और इसको इतना एक्सप्लेन किया था मैंने, कहा एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन आरएनएस के साथ ही उसने दिया होता तो और सही होता, तो बेटा इसमें क्या होगा 80, आपके लिए एसेंशियल पूछे तो 20, जो अमीनो एसिड कोड होती हैं वो कितनी होती हैं 20, और यहाँ पे इसने अमीनो एसिड गलती से नहीं पूछा है, क्या पूछा है प्रोटीन पूछा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कॉमनसलिज्म प्लस जीरो, एमेंसलिज्म माइनस जीरो, पैरासिटिज्म प्लस माइनस, हो गया। अगला, फ्लावर इज डिफाइंड मॉडिफाइड शूट, कितनी बार बताया गया है ये, बिल्कुल सही है, इंटरनोड एंड शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, बिल्कुल सही है, तो कौन सही हो जाएगा बेटा ए, हाँ फोर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंटिसेल लेंसेप और क्या पाई जाती है इसमें कंप्लीमेंट्री सेल्स,
ठीक है। दूसरा बार्क फॉर्म अर्ली सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, ये भी लिखा हुआ है। और तीसरा है बार्क इज टेक्निकल टर्म, गलत बेटा। बार्क के लिए मैंने कहा था यूज करते हैं टर्म बट नॉट अ टेक्निकल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल, उसी समय कहा था, ये दिया है, कभी पूछ सकता है ये। तो कैसा होगा बेटा, ये टेक्निकल तो गलत हो गया। बार्क रिफर पेरिटर्म सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल सही है। फिलोजन सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, कपल ऑफ लेयर, मैंने कहा था कई लेयर, ठीक है। तो कौन कौन सही है इसमें बेटा, ए बी डी, तो सेकंड सही है, वन मतलब ए एंड डी, बी खा गए। अरे बेटा ऐसे कैसे होगा, मुझे लाइन याद है इसकी। बार क्या लिखा है बेटा जो ये गलत करवा रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, कार्ड हार्ड बार, ये हुआ राइट पेज पे बार। देखो बेटा लेट सीजन है कि अर्ली है, बार्क टेक्निकल ना, अच्छा अर्ली सीजन है, बार्क फॉर्म अर्ली सीजन इज कॉल्ड हार्ड वर्क, नहीं अर्ली जो होता है वो सॉफ्ट वर्क है, ठीक है, लेट का जो है हार्ड वर्क है। एनसीईआरटी ऐसे बिल्कुल पढ़ना है आपको, सब लिखते हुए, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ए एंड डी। अगला ये करेक्ट है, पूरा बताया था मैंने, कम्पटेटिव होंगे दो क्लोज होंगे बेटा, और दोनों रहना चाहेंगे तो एक मरी जाएगा, इसलिए वो अपने को चेंज कर लेता है, ठीक है, यही लाइन ही है। और दूसरा क्या है बेटा, इन जनरल कार्नी, अच्छा कार्निवोरस अफेक्टेड होंगे बेटा हर्बीवोरस से, कि कार्निवोरस दूसरे कार्निवोरस से अफेक्टेड होंगे, हर्बीवोरस के तो लिए मजे हो जाएंगे यदि बढ़ जाए तो, ठीक। तो कौन सा होगा, स्टेटमेंट वन करेक्ट बस, सेकेंड इज फॉल्स। अगला क्लिनफिंटर सिंड्रोम, डाउनी ने ढूंढा था, नहीं वो डाउन सिंड्रोम ढूंढे थे। दूसरा है सच इंडिविजुअल है वो मस्कुलिन में, क्या फेमिलिन कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, हाँ क्लिनफिंटर में। दे अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट स्टर्न, नहीं शॉर्ट स्टर्न का मतलब समझते हो, क्रोमोसोम नंबर कम होना, इसमें बढ़ जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फीमेल में किसमें होता है बेटा, टर्नर में, टर्नर में, ठीक। अगला है सच इंडिविजुअल आर स्टराइल, सही है। और डी क्या है बेटा, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, बेटा ये डाउन सिंड्रोम में होता है मेंटल रिटार्डनेस। बी एंड डी। अगला एम फेस, इसमें बेटा देखो क्यूसेंट स्टेज जो होता है क्यू नॉट जी जीरो, उससे आप लगा लोगे इनएक्टिव फेज, सी का सेकंड एक ही है, इसको कर ले। जी टू प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसके बाद एम फेज डिवीजन फेज होता है, जी वन फेज जो इंटर बिटवीन माइटोसिस एंड सिंथेसिस आप एस फेज के बीच में होता है, चलो ठीक। अगला आयरन, एकदम याद होगा कैटलेज, जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, 10 बार बताया गया है ऑक्सीन का प्रिकर्सर जिंक, जिंक ये लिखवाया गया, नोट्स है, नोट्स है तो ऑक्सीन खोलो, है लिखा है, लिखा है जिंक, नहीं मिला, नोट्स मुझे दो, पकड़ाओ बेटा, इसको दो जगह में लिखवाया हूँ, साइटोकाइनिन, अच्छा जिबरलिन ये खोल लिया, ऑक्सीन
नेचुरल एसिडिक ये वाला कहीं ठीक, ओल्ड प्रमोट आइसोलेट ठीक। टू फोर डी इतना आगे नहीं लिख पाएंगे, यंग लीफ ये था। इसमें वो है न्यूट्रिएंट वाली कॉपी देना, क्योंकि देखना है ना कैसे, तो मैं छोड़ा नहीं हूँगा फिर। हाँ अच्छा, इसी में है माइक्रो न्यूट्रिएंट, नहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली कॉपी वो भी नहीं लाई। नहीं इसमें, उसमें तो मैंने कालम बना के लिखवाया है ना। हाँ जिंक के लिए मैंने बताया था प्रिकर्सर, कहाँ गया फिर लिखवाया तो, ऐसा कैसे हो सकता। हाँ दूसरी कॉपी लाना था ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट बेटा लिखवाया हूँ, इसमें मैंने कैसे, यहाँ भी लिखवाना ही था, वहाँ लिखवाया था तो। बेटा इथाइलिन में आपने लिखा है इंक्रीज लेंथ इन राइस प्लांट अंडर गो वाटर, इंक्रीज द फीमेल ने प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, बिल्कुल ये लाइन लिखा है आपने इथाइलिन में। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, लेकिन मैंने कहा फिर डिस्कस करते हैं पेपर। अगला क्वेश्चन ये किया था प्रोकैरियोट पॉजिटिवली, अरे डीएनए पॉजिटिव चार्ज कब से हो गया, डीएनए ऑलवेज नेगेटिव चार्ज क्योंकि होता है इसमें फास्फोरिक एसिड। दूसरा इन यूकैरियोट नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, हाँ हिस्टोन जो होती है बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है और कहते हैं उसको न्यूक्लियोसोम। हाँ अगला क्वेश्चन विच ब्लड कैप्सल, कौन सी ब्लड कैप्सल है बेटा अंडर गो रेप्लिकेशन ऑफ प्रोड्यूस प्रोजनी ऑफ वायरस, टी हेल्पर याद है, और फैक्ट्री कौन होती है एचआईवी की, माइक्रोफेजेस, क्योंकि माइक्रोफेज में क्या होता है बेटा उसमें चलती है लाइसोजेनिक साइकिल और इसमें चलती है लाइटिक साइकिल, ये मर जाती है टीएच ठीक है, और वो मरती नहीं है बराबर प्रोड्यूस करती रहती है। अगला विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट, बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सक्सेसिव, जितने ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे बायोमैग्निफिकेशन उतना ज़्यादा होता जाएगा। मैंने बताया था स्मॉल फाइटोप्लैंटन में सबसे कम, बर्ड में सबसे ज़्यादा ठीक, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ गया। ये बताना जरूरी था पी वेव, पी वेव क्या करती है बेटा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू वेव जरूरत नहीं है मैच कराने का, क्यू के लिए थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या कराती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बस दो से लग जाएगा, ब्राड पाम सिंगल पाम क्रीज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ठीक है इसी में हो जाता है।
और इसके लिए टेस्ट कौन सा था बेटा? एमिनोसिंथेसिस, जो बैंड हो गया। आरएनए म्यूटेट फास्टर रेट, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। दूसरा बताया था कि बैक्टीरिया में, ये वायरस में ये पाए जाते हैं आरएनए जीनोम, इनके लिए इनकी शॉर्टर लाइफ तो होती है लेकिन म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर स्टेटमेंट, दोनों सही हैं। हाँ ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बेटा। अगला, लिगामेंट इज डेंस इरेगुलर टिश्यू, गलत। लिगामेंट बेटा डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं। टेंडन और लिगामेंट कैसे होते हैं? डेंस रेगुलर। इरेगुलर में क्या होते हैं? येलो इलास्टिन फाइबर, याद करिए आप। हाँ ये कैसे होते हैं? इसके बाद दूसरा है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, नहीं, कार्टिलेज इज स्पेशलाइज टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन इज द स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इसमें दोनों गलत हो गए ना, दोनों गलत हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, गिव द स्टेटमेंट विच, अच्छा ए अदर लेवल, नेफ्रॉन ऑफ टू टाइप, सही है, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी, दो टाइप के होते हैं एंड देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ एनले एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, गलत। नोट्स है, खोलो नोट्स बेटा। दोनों नेफ्रॉन में अंतर मैंने बताया है और वहाँ मैंने बताया है बेटा कि जक्स्टा ग्लोमेरुलरी जो होते हैं वो बड़े होते हैं। मिला? किडनी खोलो, एक्सक्रीशन, दोनों में अंतर इसीलिए लिखवाया था। दोनों में अंतर है, कौन बड़ी है पढ़ के बताओ। ये क्या कह रहा है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट, तो गलत हो गया। ये दो टाइप के हैं तो एक सही हो गया दूसरा फाल्स, इसीलिए डिफरेंशिएट करके कॉलम बनवा के लिखवाया था बेटा, मत भूलना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, विच फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर, कौन सा क्लोनिंग वैक्टर नहीं होता है? प्रोब, ठीक है, याक भी होता है, बैग भी होता है, पीवीआर 322 का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बताया ही था। अगला, अ प्रोटीन इज इमेजिन इन अ लाइन लेफ्ट रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, गलत। फर्स्ट जो होती है बेटा वो एन टर्मिनल पे, जो लास्ट होती है वो सी टर्मिनल पे। माइक्रोमोलिक्यूल की कॉपी हो, जहां मैंने प्रोटीन अमीनो एसिड लिखवाया है चेन, वहां सबसे पहले यही बताया है, कॉपी लाई नहीं होगी वो वाले माइक्रोमोलिक्यूल, हाँ बायोमोलिक्यूल नहीं लाई, ठीक है, उसमें पहला यही है। दूसरा क्या कह रहा है? एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट फोर सब यूनिट, टू सब यूनिट अल्फा, सही है, क्वार्टनरी होती है प्रोटीन, दो अल्फा दो बीटा, कौन सही हो गया? स्टेटमेंट वन फॉल्स, सेकेंड इज करेक्ट। अच्छा इसमें बेटा मैंने नहीं बताया था 61 क्वेश्चन, लेकिन आप इजीली निकाल लोगे। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मैंने बताया था, जहाँ पैनक्रियाज आकर के जुड़ती है इंटेस्टाइन में, वो हो गया। पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बताया था, तो बचा एक ही। तो वो तो तीन तो आपको कन्फर्म है, तो बचा एक चौथा, वो लगेगा ही लगेगा, ठीक। ये एकदम कायदे से, अच्छा इसमें केवल बेटा सहेलू को मैच करा लिया, ओरल मेथड क्या पाया जाता है सहेली में, नाम क्या है? हाँ सहेली में जो पाया जाता है नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन, उसका नाम क्या है? ये सब स्टेरॉइडल है मेरे लाल, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल सेंट्रोमिन, ठीक है, सीडीआरआई लखनऊ, लग गया इतने से। और बेटा वैसेक्टोमी मैंने बताया था, सर्जिकल परमानेंट मेथड है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स जो होता है बेटा बैरियर मेथड है, कैप्स मैंने बताया था, कॉन्डोम बताया था, जेलीज बताया था, हाँ डायफ्राम, ये सारे के सारे बैरियर मेथड है। और मैंने कहा था बैरियर मेथड दो हेल्प करते हैं, बैरियर मेथड एक और क्या हेल्प करते हैं, ये चेक करते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। चलो अगला,
विच इज फॉलोइंग फंक्शन? अरे साइटोस्केलेटन का एक ही फंक्शन मैंने बताया था, मोटेलिटी, क्योंकि कौन होता है इसमें? सिलिया और फ्लैजला, और कुछ है ही नहीं। अगला, तीन जो होते हैं बेटा, विच फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम्प्लीटली क्योरेबल? मैंने कहा था तीन क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनाइटल हर्पीज। तो बचा क्या? अच्छा, ये वाइटल कैपेसिटी क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे खून फूक जाएगा बेटा, इतने ग्राफ से मैंने इसको बताया था। अच्छा, क्या है ये, इसका क्या आंसर होगा? IRV। मैंने कहा था वाइटल कैपेसिटी वो होती है जो हम मैक्सिमम ले सकें और निकाल सकें, टाइडल आरवी छोड़ के, रेजिडुअल तो कभी नहीं। और रेजिडुअल यदि हम वाइटल में रेजिडुअल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाएगी। ये कभी भूल ही नहीं सकते हो। इसको मैंने इससे कराया है, ग्राफ से कराया है और रिप्रेजेंटेशन से कराया है, तीन तीन। और मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता ही है उस छह हेडिंग से, टाइडल और सब हमेशा आएगा, अगले साल भी देखना आएगा, ये आएगा फिक्स है वहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, ये क्लियर है। अगला, विच इज़ नॉट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? तो सबसे पहले बताओ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पाए क्या क्या जाते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने बताया था, एकदम याद रखे रखना बेटा, इसके सिवा जो दिखे सबको हटा देना। पहला इंडो कौन सा था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गॉल्गी बॉडी। तीसरा लाइसोसोम। और चौथा वैक्यूल। इसके सिवा कुछ भी दिखे वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ANF हार्ट एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, ये कब निकलता है बेटा? जब रास काम करता है, याद है रास? रेनिन, एंजियोटेंसिन और ADH सिस्टम, ठीक है, ये सारे सारे वैसो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो हर्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो हर्ट के आर्ट्रियल वॉल्व से निकलता है ANF, और ANF क्या करता है? वैसो डायलेटर, हार्ट प्रेशर को मेंटेन करता है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, ADH किडनी, ठीक, GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड, सब जीन ए, अच्छा जीन ए वाई आई, अच्छा सबसे पहले तो ZYA है, जेड है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या है बेटा? परमिएज, और ZYA क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज, और आई जीन क्या निकालती है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन। सिंपल मैच। फोबिया सेंट्रेलिस पे केवल कौनस पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा डेंस होती हैं, सबसे एक्यूट विज़न होता है, बताया था फोबिया सेंट्रेलिस। बेटा अपने नोट्स में आप देखो, ऐड डायग्राम में ऐड करवा के मैं लिखवाया हूँ, शार्पेस्ट विज़न, सबसे अच्छा विज़न होता है वहाँ का। नोट्स में तुम्हारी बड़ी सी आँख बनी होगी बेटा, जहाँ सेंसरी सिस्टम पढ़ाया होगा, और वहाँ पे देखो फिगर में ही लिखवाया होगा फोबिया सेंट्रेलिस। फोबिया सेंट्रेलिस के बारे में थ्योरी में कुछ लिखा है? ओनली कौन? नोट्स देना। अब बोला तो, अब मैच कराओ तुम। एक्यूरेट विजन क्या है? विजिबल कलर पोर्शन आई रेगुलेट द डायमीटर ऑफ पिपिल, नहीं, एक्सटर्नल लेयर आई नहीं, पॉइंट ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी ऑफ द रिजोल्यूशन, फोबिया सेंट्रेलिस। अच्छा ये बताओ ब्लाइंड स्पॉट मैंने लिखवाया है? हाँ, जहाँ ऑप्टिक नर्व निकलती है वहीं पर लिखा होगा तुमने ब्लाइंड स्पॉट, फिगर में देखो ब्लाइंड स्पॉट में क्या लिखा है? ब्लाइंड स्पॉट के लिए नो विज़न, कोई विज़न नहीं होती है, ऑप्टिक फाइबर होते हैं। लाओ नोट्स दो। आयरिस
मैंने कहा था आयरिस में ही कलर्ड होती हैं आँख की, जिसमें दिखता है किसी की काली, किसी की भूरी, किसी की नीली आँखें। तुमने ग्रीन भी कहा था, मैंने कहा ग्रीन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आयरिस। फोविया सिंटेल इज फॉर्म्ड एक्यूट विजन बिकॉज ओनली कोन प्रेजेंट। ठीक, अब ब्लाइंड स्पॉट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा होगा, रॉड एंड कोन्स। ठीक, बाकी बाकी हो गए। आयरिस बेटा मैंने बता ही दिया था आपको, आयरिस में एक कलर होता है जिसके कारण आइज की कलर आपको पता लगता है। ठीक, अगला, ये तो बेटा फिगर से आपको याद करना था। ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ये मैंने बताया था कि इसमें एक बेटा कौन से आपको याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और दूसरे याद रखने हैं आपको प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन में बोलो। तो ये तो फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन था, निम्बेट स्पॉटेड कैक्टस और फ्लाइंग फैलेंजर, ये सारे मार्सुपियल है। तो रहने दो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डाउट हुआ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, वाज डिफरेंट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकिल ओपन इन यूरेथ्रा थ्रू द इजेकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल सही है, सीरीज याद है बिल्कुल, बस हो गया क्वेश्चन। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एंड विच इज वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल। ये भी तो बिल्कुल सही है बेटा, दोनों सही हैं। मैंने कहा था सर्विक्स और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाती हैं, याद आ गया। हेरोइन, मैरिजुआना, कोकीन, मॉर्फिन, मॉर्फिन का यूज़ करते हैं बेटा पेन किलर के लिए। ठीक है, मॉर्फिन का यूज़ कैसे करते हैं हम पेन किलर के लिए, एक ही ऑप्शन पकड़ोगे तो भी हो जाएगा, इसीलिए बेटा मैंने कहा था मॉर्फिन बैंड नहीं होती है। मैरिजुआना, मैरिजुआना का काम क्या होता है बेटा, मैरिजुआना क्या करती है, कार्डियोवैस्कुलर। ठीक, कोकीन बॉडी फंक्शन, और हेरोइन, हेरोइन तो महाखतरनाक है बेटा, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हेरोइन क्या होती है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन से भी कई गुना ज़्यादा नशीली हो जाती है। ठीक है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज अ हेरोइन। रिंगवार्म फाइलेरिया ये बताना है, रिंगवार्म, अच्छा रिंगवार्म पूछ रहे कि फाइलेरिया पूछ रहे, फाइलेरिया क्या होता है, वुचरेरिया। ठीक है, रिंगवार्म, ट्राइकोफाइटन याद ही नहीं आ रहा, मलेरिया अच्छा याद आ रहा है, प्लाज्मोडियम क्या, मलेरिया अबे प्लाज्मोडियम भैया, वाइवेक्स मलेरी और ओवल फैल्सीपेरम, चार चार स्पीसीज बताई थी मलेरिया की। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया क्या होते है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से, इन्फ्लुएंजी वायरस है ना। अच्छा, एमिनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, महागलत, इसीलिए तो बैंड हुआ था। ठीक है, बैन आप अमीनो से, देखो दूसरे में लिख भी दिया फीमेल फोर्टिसाइड, तो बेटा कौन सही है, क्या लिखा था, हाँ तो सर, अरे इसको तो इतने कायदे था कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अमीनो सिंथेसिस था ही नहीं बेटा, ये किस लिए था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को सही करने के लिए था। बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस चेक इंक्रीज मेंसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, सही तो था। रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड, नॉट फाउंड किसमें नहीं पाया जाता,
सिलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री होता है, टीनोफोरा में रेडियल बॉल टाइप का होता है, होता है। इकाइनोडर्मेटा मैंने बताया था बेटा, इकाइनोडर्मेटा में ये सारे हैं, सब में रेडियल सिमेट्री होता है, इनके लार्वा में बाइलेटरल होता है। और हेमिकॉर्डेटा, एनिलिडा, एस्केलमेंथीस, इसमें होता है बाइलेटरल। तो क्या होगा इसका आंसर? हेमिकॉर्डेटा। ठीक, अच्छा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम टेम्परेरली इनएक्टिव, सही है। और हाई टेम्परेचर पे बेटा डीनेचर्ड हो जाता है प्रोटीन, सही है। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू सबस्ट्रेट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नोज एज कम्पिटेटिव इनहिबिटर, सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल लाइन ही है। टीनिया, फ्लेम सेल, पैरामीशियम, कंट्रक्टाइल वैक्यूल, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, यूरिकोज ग्लैंड। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसको कहते हैं बेटा? कॉकरोच। और फेरिटिमा पोस्थुमा, अर्थवाम, नेफ्रिडिया। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल, वहीं की क्लास में बताया था। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज, गलत। मीनाक, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मीनार्क एंड मेनोपॉज, सही है। अगला, ये बताया नहीं था बेटा, ये चैप्टर मैंने अपने से पढ़ने को कहा था, दोनों सही हैं इसके। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, पहला तो सही है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल फ्लावर प्लांट रिमूव, थर्मल फ्लावर तो होता ही है ये, द लाइट इज अबव, अच्छा अच्छा एक मिनट, 79 गोला बनाओ इसको, फिर कल देखते हैं बेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका फोर्थ ही होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना, बायोमैग्निफिकेशन, ये ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक स्टेक थर्मल फ्लावर प्लांट स्मार्टले अदर इंडस्ट्री रिलीज पार्टिकुलेट ऑफ गैसियस एयर पोल्यूटेंट टुगेदर द हार्मलेस गैसेज नाइट्रोजन पोल्यूटेंट इज सेपरेटेड फर्दर रिलीज द हार्मलेस गैस इनटू द दिस वाज द रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर इज वाइडली द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच कैन पावर प्लांट मेंटेन द सेवरल थाउजेंड वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन दे आर द कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 180 नहीं यार, 179। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल फ्लावर रिमूव आयनाइजेशन, फोर्थ ही लगाओ फिर देखते हैं बेटा, फोर्थ ही सही है। 80 हो गया। पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल क्या निकालती हैं? गैस, गैस्ट्रिक ग्लैंड की, स्टमक की। पेप्सिनोजन, गोबलेट सेल, म्यूकस, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो एकदम लाइन बाय लाइन लिखवाया हूँ इसको। ऑक्सेंटिक सेल HCL, और हिपैटिक सेल बाइल, हाँ बाइल, वही ऑप्शन।
अच्छा पेप्टिक सेल वाले याद नहीं आया? नोट्स दो अपना मैंने इसका इतना डिटेल स्ट्रक्चर बनवा के करवाया है और कहा था कि ये बेटा पहला ही चैप्टर है ना, ये डाइजेशन टीथ। आप देखो बेटा करें, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्रैंड पीनेट सेल, ठीक है, इज अ नेक्स्ट सेल सिक्रीट म्यूकस, चीफ सेल पेप्सिनोजन, ठीक, नेक्स्ट सेल सिक्रीट म्यूकस, एचसीएल से प्रोटेक्शन, पेराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल एचसीएल, एसिडिक पीएच, और ये देखो इसका फिगर बनवा करके करवाया हूँ। चलो लेकिन सही हुआ ना, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट काज डिसेंडेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, ये भी सही है। लेकिन बेटा ये कह रहा है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, हाँ नेसेसरी तो होती है इम्प्लांटेशन की, दोनों सही है, लेकिन दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है? दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन तो तब करता जब इंडोमेट्रियम कैसे मेंटेन रहे, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को रीजनरेट ना करे। स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेकेंड वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, बॉल एंड सॉकेट, मैंने दो बताया था, ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डिल और फीमर और पेल्विक गर्डिल, ठीक। फाइब्रस ज्वाइंट स्यूचर बनाते हैं स्कल में, ठीक। सैडल ज्वाइंट कार्पेल एंड मेटा कार्पेल ऑफ द थंब, इस पर स्टार भी बनवा दिया था, तो दो से लग गया एक ही से लग गया। चलो 83, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सिंबल रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री, क्लोजली रिलेटिव, विच इज फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ ईयरली डायग्नोस्टिक डिजीज। ईयरली डायग्नोस्टिक में किसका यूज नहीं करते? पीसीआर का करते हैं, करते हैं, एलिसा का करते हैं, करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं, करते हैं, सीरम और यूरिन, बेटा सीरम और यूरिन में तो तब आएगा जब पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। कौन सा करवाए हैं? फोर्थ मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस ही होगा बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी में है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एलिसा और पीसीआर ये तीनों यूज़ होते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज में है। मैं बता दूँ कहाँ पे है, पेज नंबर के साथ एनसीईआरटी में जाके देखना, मैं बता रहा हूँ कहाँ है। ऐसे कैसे करवा देंगे? एड्स एलिसा, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी में आ जाओ बेटा, जीन कोलिंग बायोपेरेसी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जाके देख लेना एनसीईआरटी में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जब पढ़ोगे बेटा एकदम क्लियर, ये पूरा मैंने बताया था इसमें क्या क्या है, कौन कौन है, एलिसा भी आता है, पीसीआर भी आता है, और डीएनए आरएनए टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है। चलो अगला, बिल्कुल है बेटा, यूरिन और सीरम में तो बेटा तब जाएगा जो पूरी बॉडी में ये फैल जाता है, लिखा हुआ है। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल
तो अर्ली डिसेक्शन किससे है? यहाँ देखो बेटा, वी नोन दैट द इफेक्टिवली ट्रीटमेंट डिजीज अर्ली डायग्नोसिस इज अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। लाइन लिखा हुआ है ना, सीरम और इससे पॉसिबल नहीं। किससे पॉसिबल है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर एंड एलिसा आर द सम टेक्निक आर सर प्रपोज टू अर्ली डायग्नोसिस। कहाँ से दे दिए बेटा ये आंसर? फोर्थ नहीं होगा। कौन सा होगा आंसर? ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल बेटा, मैंने बताया ना एनसीईआरटी, आप देखते जाओ आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला, लियोपार्ड और लायन दोनों हैं जंगल में, ये क्या करेंगे? कंपटीशन। पहले कुकू का क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म, कुकू गिरा देती है उसका और उसके घोंसले में अंडा देती है। फंजाई एंड रूट म्यूटिलिज्म, कैटल रेजर कॉमेंसलिज्म, हो गया आंसर। अच्छा, जी नॉट फेस ऑफ सेल साइकिल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सही है। अगला, इन सेंट्रोसोम अंडर गो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, सही है। बोथ थर्ड मतलब कैसे गलत है बेटा? जी नॉट फेस इज इनएक्टिव फेस, खत्म। एनसीईआरटी में बेटा देखो, पूरा का पूरा मैंने इसको डिफाइन करके आपको बताया है। क्वेश्चन जी नॉट फेज इनएक्टिव स्टेज, क्वेश्चन स्टेज जी नॉट, खत्म बात। बेटा मुझे लाइन याद है कहाँ पे कहाँ बताया है इसको आपको, ठीक है। ये गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। अगला, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कब होगा बेटा? लिमिटेड रिसोर्स। और एक्सपोनेंशियल कब होगा बेटा? अनलिमिटेड रिसोर्स। मुझे लगता है बस दो ही ऑप्शन से तो लगी जाएगा। इसके बाद भी देखना है, एक्सपेंडिंग आर एज पिरामिड। अच्छा, ये एज पिरामिड का मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया था। ये दोनों बराबर हैं तो स्टेबल, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव तो कैसा हो जाएगा? एक्सपेंडिंग। अगला, काक्रोच एक्सक्रीशन लिखवा दिया था मैंने, कौन कौन होते हैं बेटा? नेफ्रोसाइट होते हैं, फैट बॉडी होती हैं, यूरिकोज बॉडी होती हैं, तीनों के बारे में मैंने लिखवाया है। फैलिक ग्लैंड, कोलेट्रल, कोलेट्रल तो बेटा फीमेल पाई जाती हैं, फैलिक ग्लैंड का काम मेल में होता है बेटा। कोलेट्रल ग्लैंड क्या करती हैं? सिक्रीत करती हैं ऊथीका, और फैलिक ग्लैंड बेटा स्पर्म के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें? बी सी डी, ठीक। अगला पढ़ो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, एकदम गलत बात है। टेट्राड कहाँ पे दिखते हैं? डाइवेलेंट या टेट्राड? जाइगोटीन में। क्योंकि बेटा टेट्राड कंडीशन जाइगोटीन में दिखते हैं, तभी तो पैकेटीन में जाने के बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। लिप्टोटीन में तो क्या होता है? कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल सही है, दो बार आ चुका क्वेश्चन। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग, गलत। टर्मिनलाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? डिप्लोटीन में। और कहाँ एकदम क्लियर दिखती है? डाइकाइनेसिस में। न्यूक्लियोलस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था प्रोफेज का उल्टा, जस्ट टीलोफेज में, इसमें ये सब डिसअपियर होती हैं, टीलोफेज में अपियर होना शुरू होती हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत। नॉन सिस्टर होमोलॉगस, कौन सा सही हो गया बेटा? फर्स्ट, बी एंड डी। अगला, विच आर फॉलोइंग नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या क्या? अच्छा, नॉट है ना, क्या नहीं होता है? मेंटेन
ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस? नहीं, ये बेटा एल्डोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायरोक्सिन, सही तो है ये, तो नॉट करेक्ट पूछा है बेटा। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल किसके कारण होता है बताओ? कौन से हार्मोन के कारण होता है स्लीप वेक साइकिल? बायोलॉजिकल क्लॉक। किस ग्लैंड के कारण होता है? पीनियल। किस हार्मोन के कारण होता है? मेलाटोनिन। टोपा, याद ही नहीं आ रहा है, इतना बताया था मैंने पीनियल के बारे में कि ध्यान लगाते हैं तो कौन सी ग्लैंड सबसे ज़्यादा डेवलप होती है? पीनियल, ठीक है, वो ऐसी होती है जो आत्मा से परमात्मा के दर्शन करवाती है। ठीक, अगला, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, नहीं। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, हाँ। तो कौन कौन से बेटा है जो गलत हैं, जो कौन कौन से हैं जो नहीं होते हैं? सी एंड डी, ये दो नहीं होते हैं। ठीक, अगला, स्टाइल कौन मारता है, मेल की फीमेल? हाँ, एनल स्टाइल मेल में होता है। तो पूछ तो दिया, विच फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? एनल स्टाइल। स्टाइल किस में होता है? केवल मेल में होता है, जबकि सरकारी दोनों में होता है। ठीक, विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे कम पाई जाती है, 0.5 to 1% होती है। क्या बेसोफिल सिक्रीट करती है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन? हाँ। बेसोफिल इन्वॉल्व इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सिबल? हाँ, हिस्टामिन होती है। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस? गलत। बेसोफिल का न्यूक्लियस याद है बेटा बनाया था? किडनी शेप ये थोड़ी होता है, एस शेप है, ये भी गलत हो गया। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट? नहीं, ग्रेनुलोसाइट होती है। ठीक है, तो कौन सा सही है बेटा? बी एंड सी। अगला, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर? नहीं बेटा, यदि वाटर लॉस हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या होंगे? स्विच ऑन हो जाएंगे, उनको वाटर चाहिए। दूसरा, पहला तो गलत हो गया, ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रिवेंट डायूरेसिस, सही है बिल्कुल। ADH जितना निकलेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ANF काज वैसोडाइलेशन, अभी तो बताया एट्रिया से निकलता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है ये। ठीक, अगला, ADS काज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये क्या करता है, मैंने कहा था ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर ये बढ़ाता है जिससे फिल्ट्रेशन रेट बढ़े, ज़्यादा हो। अगला है, ADH इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द GFR, गलत, ये इंक्रीज कराता है। तो कौन सा सही है बेटा? BCD। ठीक, मुंह दर्द करने लगा। अगला क्वेश्चन, मास्ट सेल कनेक्टिव एल्यूरल कनेक्टिव टिश्यू मास्ट सेल, याद है बनाया था मैंने एडिपोज, ब्लड का देखा होगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन कैसा होता है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, इनर सरफेस ब्रांकियोल सिलिएटेड, मैंने कहा था ब्रांकियोल में सिलिएटेड म्यूकस बाहर निकालता है, सिंपल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिफरेंस टू कॉर्डेट, अरे कॉर्डेट का है ही, ये क्लोज वैस्कुलर सिस्टम, पेयर्ड फेरेंजियल गिल सीट और बस यही तो है। डॉर्सल सॉलिड, गलत, अभी यही बात हुआ था, डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, कह रहा है डॉर्सल हर्ट, हर्ट हमारा इधर होता है वेंट्रल साइड में। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट, नहीं, यू सिलोमेट होता है, मतलब सिलोमेट होता है, सिलोमेट भी कॉर्डेट में यू सिलोमेट होता है, जबकि एनिलिडा और आर्थोपोडा में ट्रू सिलोमेट तो होता है लेकिन साइजो सिलोमेट होता है, मैंने इतना अंतर करके बताया था। यूनिक मेमेलियन करेक्टर, हेयर पिना एंड मेमोरी ग्लैंड,
ठीक। अगला, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन एंड एक्साइटमेंट प्लेजर रेग थियरीज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। थोड़ा देना अपना नोट्स बेटा, तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस साथ साथ वर्क करते हैं। ये नर्वस सिस्टम तो इतना डिटेल में बताया था कि मुझे लगा कि नर्वस सिस्टम से कहीं क्वेश्चन आएगा कोई गलत ही नहीं होगा। बहुत लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम इमोशन ब्रेन सेक्सुअल बिहेवियर एक्साइटमेंट प्लेजर एंड फियर। ये बेटा बिल्कुल लाइन ही लिखवाई थी, इधर देखिए, ठीक है बेटा जाओ, ये बिल्कुल देखो लाइन ही था लिम्बिक सिस्टम में जो लिखवाया था। ओके okay?